हम सबने मिलकर फैसला किया हम उन्हीं के साथ काम करेंगे, आप अपने लिए दूसरी औरतों का बंदोबस्त कर लीजिए। सर आप यहाँ? क्या हाल है? सर बिल्कुल ठीक। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी सर आइए सर। सुनो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो उसको थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास और छोड़ दूं, क्योंकि मुझे काम से बाहर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ रह सकते, क्यों नहीं मम्मी, क्यों नहीं। बिल्कुल अपने काम से जाओ, कोई मसला नहीं। पक्की बात है? और अब तो हमारी दोस्ती भी तो कितनी पक्की हो गई है ना भाई, है ना। थैंक यू सो मच यार, तुम बेफिक्र रहो, मैं ख्याल रख सकती हूँ उसका। देखा कह रही हाँ। अच्छा मैं निकलती हूँ फिर। ठीक है, मैं ख्याल रखना, है ना भाई। खाला खाला ख्याल रखती है। चलो भाई अब दूध का टाइम हो गया। ओके चलो भाई, बहुत हो गया बहुत हो गया, बहुत खेल लिया। ओके ओके। नहीं मुझे गलत मत समझिएगा सर, पर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो मेरा ये मतलब था कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और यहाँ वासे विला के कुछ और मुलाजमों के भी क्वार्टर्स हैं। तुम बेफिक्र रहो, मुझे किसी ने नहीं देखा। और कैसी है तुम्हारी बेटी? मालिक का करम और आपके बड़े एहसान हैं, वरना हम जैसे गरीबों की इतनी औकात कहाँ कि हम इतना महंगा ऑपरेशन करा सकते। अगर आपने उस वक्त साथ ना दिया होता तो हम अपनी इकलौती बच्ची खो चुके होते। खुदा के बाद आपके एहसानात हैं कि आज हमारी बेटी जिंदा है। चलो ये अच्छी बात है कि कम से कम तुम्हें मेरे एहसान याद हैं। नाना साहब जी ऐसी बात नहीं है, आप जैसे मसीहा के एहसानात का कर्ज हम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते। चुकाना चाहो तो चुका सकते हो। आज मैं तुम्हें वही मौका फराहम करने आया हूँ जो कल मैंने तुम पर एहसान किया